अब वो भाग जाते हैं। हमारी पार्टी को उन्होंने बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए हमारे पार्टी को 47 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी का एक ही नारा है, नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 आशीष सिंह सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो, बाबा का कलंक मुर्दाबाद, 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 आशीष सिंह मुर्दाबाद, 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 आशीष सिंह हाय, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जदयू के, उनके चेहरे पर काली पोतने का काम किया गया है छात्र रिव्यू के द्वारा। आज सीपी सिंह जिस खाली में खाए उस खाली में छेद, जिस कारण आज हमारे उनके कारण नालंदा के कलंक, जदयू के गद्दार, पूर्व केंद्रीय मंत्री आर सीपी सिन्हा के जो उन्होंने काम किया था, उनके मुंह पे छात्र जदयू के साथियों के द्वारा उनके मुंह पे काली पोतने का काम किए हैं। उन्होंने हमारे पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे थे। हमारे नेता, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने उनको इस पार्टी में जितना मान सम्मान देने का काम किया है, उतना उनको किसी पार्टी में सम्मान नहीं मिला है। आवाज वो करते हैं उनके ऐसा बिहार में आईएएस आईपीएस बहुत सारे हैं, लेकिन जब पता होगा आपको कि जब नालंदा में आशीष कुमार सिन्हा जो पूर्व डीजीपी थे, कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, उनकी जमानत जब्त हो गया था नालंदा में। अब वो बात करते हैं हमारी पार्टी को उन्होंने बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिए थे, इसलिए हमारे पार्टी को 47 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी का एक ही नारा है कि इस बार हम लोग जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से गठबंधन किए हैं, हम लोग पूरे तन मन से हम लोग पार्टी को अच्छी चलाएंगे और हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। यदि तो संतोष साहब।